प्रेज द लॉर्ड। रहाई के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम इस बात पर मनन कर रहे हैं कि हम यीशु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध कैसे बना सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने इस टॉपिक को शुरू किया था, आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। हमने देखा था कि योहन बपतिस्मा दाता जॉन द बैप्टिस्ट के दो शिष्य यीशु के पीछे चलते हैं और यीशु उनसे पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो। उनका उत्तर होता है, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? तो यीशु ने कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वो कहाँ रहते हैं और उसके साथ रह लिए। तो वहाँ पर जो शब्द दोहराया जाता है वो ये है, रहना। तो हम यीशु का अनुभव कैसे कर सकते हैं? हमने देखा था पिछले हफ्ते कि वो दो शिष्यों ने क्या किया। उन्होंने बड़े अचंभा के साथ चारों तरफ सब कुछ देखा होगा, उसके बाद यीशु के वचन को सुना होगा, यीशु के साथ भोजन किया होगा, यीशु के साथ उन्होंने बातचीत की होगी और फिर आराम से शांत होकर यीशु के साथ समय बिताया होगा। तो जब हम यीशु के साथ रहते हैं तो हम यीशु का अनुभव करते हैं। कैसे पता कि ये शिष्यों ने अनुभव किया होगा? पिछले हफ्ते हमने देखा था कि उन्हें दिन ही नहीं समय भी याद है। आगे हम पढ़ेंगे वचन 40 से लेकर, जो योहन की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे उन दोनों में से एक सिमोन पेत्रुस का भाई अंद्रेयस था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रिस्त मिल गए हैं। तो यहाँ पर जो दो शिष्य थे उनके नाम के बारे में नहीं बताया गया था, लेकिन जब वो यीशु के साथ रहे तो उनकी आइडेंटिटी रिवील होती है, उनका पहचान हमको मिलता है। हमारी सही पहचान यीशु में है। जब हम यीशु से मिलते हैं तभी हमारी सही पहचान होती है। उनका नाम बताया जाता है उसमें से एक का, अंद्रेयस। तो अंद्रेयस क्या करता है? प्रातः मतलब बड़े सवेरे सबसे पहली चीज वो क्या करता है, अपने भाई को ढूंढता है। किस लिए? क्योंकि उसे जो अनुभव हुआ है वो उसे अपने भाई को बताना है। सच्चे अनुभव का चिन्ह क्या है? हमें सचमुच अगर यीशु का अनुभव हुआ है तो हम उस अनुभव को दूसरों के साथ बांटते हैं। अंद्रेयस के जीवन में हम यही देखते हैं, वो अपने भाई को ढूंढ निकालता है और उससे जाकर क्या कहता है, कहता है हमें मसीह अर्थात ख्रिस्त मिल गए। वो ये नहीं कहता है कि मैं ईश्वर का मेमना मिल गया है। वो योहन बपतिस्मा दाता का अनुभव था, वो अपना अनुभव देता है। यहाँ पर एक चीज हम सीखते हैं, हम जब भी यीशु का साक्ष्य देते हैं, सबसे सुंदर साक्ष्य पता है क्या है, हम जब अपना व्यक्तिगत अनुभव दूसरों को बांटते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरों के अनुभव में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन सबसे प्रभावशाली यह है जब हम अपने जीवन से, छोटा ही सही क्यों ना हो, हम अपने अनुभव को, अपने व्यक्तिगत अनुभव को जब दूसरों को बांटते हैं तो वो प्रभावशाली होता है। क्यों? क्योंकि इस अनुभव के द्वारा ईश्वर ने हमारे जीवन को स्पर्श किया है और जब हम उसको बताते हैं उसमें प्रभु का सामर्थ्य काम करता है। अंद्रेयस ने अपने भाई से कहा, हमें मसीह मिल गया है, और उससे सुंदर बात पता है क्या है, वो उसे यीशु के पास ले आता है। सुसमाचार प्रसार का काम क्या है? दूसरों को यीशु के पास लेकर आना। हम किसी का भी जीवन नहीं बदल सकते, लेकिन एक है जो दूसरों का जीवन बदल सकता है। हम लोगों को उनके पास लेकर आ सकते हैं और यीशु उनके जीवन को बदलेगा। सिमोन को देखकर यीशु ने कहा, तुम योहन के पुत्र सिमोन हो, तुम कैफस अर्थात पेत्रुस कहलाओगे। यीशु वहां पर क्या कर रहा है? यीशु वहां पर सिमोन को एक नई आइडेंटिटी दे रहा है, एक नई पहचान दे रहा है, एक नया नाम दे रहा है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो उसका पूरा जीवन वहां पर बदल रहा है, उसको यीशु का व्यक्तिगत अनुभव मिल रहा है। तो सिमोन क्या करता है? अब यीशु के पास तीन शिष्य हैं, पहले दो और ये तीसरा। वो क्या करता है, सिमोन क्या करता है? सिमोन यीशु के साथ रहता है। कैसे पता? वचन 43 में हम पढ़ते हैं, 43 में पढ़ते हैं, दूसरे दिन ईसा ने गलीलिया जाने का निश्चय किया। मतलब वो दिन सिमोन भी बाकी दो शिष्यों के साथ यीशु के साथ रह गया। तो दूसरे दिन यीशु तय करता है कि मुझे गलीलिया जाना है, तो उसके साथ तीन शिष्य हैं। अभी आगे क्या होता है, रास्ते में उन्हें फिलिप मिलता है। फिलिप को देखकर यीशु उससे कहता है, मेरे पीछे चले आओ। एक बड़ी सुंदर बात है यहाँ पर, अब यीशु के चार शिष्य हो गए, लेकिन ये पहला शिष्य है फिलिप जिसे यीशु ने खुद बुलाया। पहले दो शिष्य कैसे आए? योहन बपतिस्मा दाता ने, जॉन द बैप्टिस्ट ने उन्हें बताया तो वो यीशु के पीछे आए। सिमोन कैसे आया? उसका भाई अंद्रेयस उसको बुलाकर लाया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि फिलिप को यीशु खुद बुलाते हैं। कहने का मतलब क्या है? हम यीशु के शिष्य कई तरीके से बन सकते हैं। हो सकता है कि हमें हमारे गुरु
यीशु के बारे में बताए, हमसे जो बड़े हैं वो हमें यीशु के बारे में बताए, हो सकता है हमारा भाई हमारा मित्र यीशु के बारे में बताए, लेकिन बुलावा यीशु का है। हो सकता है कि यीशु हमें खुद बुलाए, लोगों के द्वारा परिस्थितियों के द्वारा हमें बुलाता है। किस लिए? ताकि हम उसको अनुभव कर सकें, एक्सपीरियंस कर सकें। हमें कैसे पता कि फिलिप को अनुभव हुआ? आगे लिखा है वचन 45 में लिखा है, फिलिप नथानियल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिसके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं, वह नाजरत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा है। तो वहां पर फिलिप नथानियल से क्या कहता है? वो ये नहीं कहता है कि हमें ईश्वर का मेमना मिल गया है, वो ये भी नहीं कहता है कि हमें मसीह अर्थात क्रिस्त मिल गया है। वो कहता है नबियों ने जिसके बारे में लिखा, मूसा ने जिसके बारे में संहिता में लिखा, जिसकी प्रतीक्षा इज़राइल कर रहा है, वो हमें मिल गया है, यूसुफ का पुत्र यीशु नाजरत निवासी। लेकिन नथानियल इतना सरल नहीं है, इतना सिंपल नहीं है, वो उल्टा प्रश्न करता है फिलिप से। फिलिप से पूछता है, नाजरत, नाजरत से क्या कोई अच्छी चीज आ सकती है? क्यों बोल रहा है इसे? नथानियल को यहूदी इतिहास पता है, धर्म ग्रंथ के बारे में पता है। यहूदियों के लिए कोई स्थान का महत्व तभी है जब उनके धर्म ग्रंथ में उसके बारे में विवरण हो। नाजरत के बारे में कोई विवरण पुराने विधान में नहीं है, इसीलिए नथानियल पूछता है नाजरत से। नाजरत एक ऐसा शहर है जहां पर बहुत व्यापार होता है, लेन देन होता है, जहां पर भी लेन देन व्यापार होता है वहां हर प्रकार की बुराई होती है। नथानियल पूछता है वहां से आ रहा है मसीहा जिसकी प्रतीक्षा हम कर रहे थे? फिलिप उससे उलझता नहीं है, उससे लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है, बड़ा सुंदर है वो। हम कितने बार लोगों को समझाने के चक्कर में हम लड़ पड़ते हैं, लेकिन अगर हम सुसमाचार पढ़ेंगे तो शिष्य ऐसे कभी नहीं किए। फिलिप ने क्या किया जब इस प्रकार से प्रश्न किया नथानियल ने? उसने उससे कहा आओ और देखो। ये किसने किससे कहा था? यीशु ने फिलिप से नहीं कहा था, यीशु ने पहले दो शिष्यों से कहा था आओ और देखो। तो ये लाइन फिलिप को कैसे मिल गया? मैं सोचता हूँ कि उन लोग बैठे होंगे, अब एक दो दिन वो एक साथ रहे हैं, आपस में बातचीत की होगी, तो फिलिप ने पूछा होगा पहले दो से, भाई तुम कैसे आए? तो उन्होंने कहा होगा यीशु ने हमसे कहा था आओ और देखो, और वो बात उसके हृदय में समा गई। और जब वो नथानियल से बोल रहा है तो वो चीज अनजाने शायद उसके मुंह से निकलता है आओ और देखो। तो हम यीशु के बारे में गहराई से और कैसे समझते हैं? जब हम दूसरों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ समूह में हम अपना जब अनुभव बांटते हैं, उनके अनुभवों को सुनते हैं, तो हमारा खुद का व्यक्तिगत अनुभव गहरा होता है। तो फिलिप उसको नथानियल को बुलाता है। जब नथानियल यीशु के पास आते हैं, यीशु दूर से ही देखकर उससे कहता है देखो एक सच्चा इज़राइली आया है जिसमें कोई कपट नहीं है। लेकिन नथानियल कहता है तुम मुझे कैसे जानते हो? आप मुझे कैसे जानते हो? हम तो कभी मिले नहीं हैं। यीशु उससे कहता है फिलिप के बुलाने से पहले मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देख लिया था। बहुत ही सुंदर बात है। नथानियल सोच रहा है कि फिलिप ने मुझे बुलाया है। यीशु कह रहा है नहीं, फिलिप तो सिर्फ एक जरिया है, बुलाया तो मैंने है, मैंने तुम्हें पहले देख लिया था। नथानियल का रिस्पॉन्स देखिए, उसका प्रत्युत्तर देखिए। नथानियल कहता है गुरुवर आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इज़राइल के राजा हैं। आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इज़राइल के राजा हैं। अभी तक यीशु को किसी ने यूहन के सुसमाचार में ईश्वर का पुत्र नहीं कहा था, लेकिन नथानियल बुलाता है, उसका व्यक्तिगत अनुभव होता है वो ईश्वर का पुत्र है। तीसरी चीज हमने ये सीखी कि हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत अनुभव मिला, पर्सनल एक्सपीरियंस। हम कई बार ये गलती करते हैं, हम सोचते हैं कि उसको उस कन्वेंशन में प्रभु का अनुभव मिला तो मुझे भी उसी कन्वेंशन में जाने से मिलेगा। नहीं, हम सोचते हैं कि उसको इस प्रकार से चमत्कार देखकर उसका जीवन बदला, मैं भी जब चमत्कार देखूंगा मेरा जीवन बदलेगा। नहीं, हम सबको ईश्वर ने विशेष बनाया है, अलग बनाया है। ईश्वर ने हमारे लिए जो रखा है वही हमें मिलेगा, लेकिन हमें सबको व्यक्तिगत अनुभव मिलेगा और हमारा अनुभव अलग होगा। यहाँ पर देखिए सबों को अनुभव मिला, सबों ने उसी यीशु को अनुभव किया, लेकिन उन सब का अनुभव अलग था। हम जैसे हैं, हमें जिसने बनाया है वो जानता है हमें किस अनुभव की ज़रूरत है और वो देगा, हमें उसकी प्रतीक्षा करनी है। तो तीन चीज़ों को हमने आज देखा। पहली बात कि जब हमें अनुभव होता है यीशु का तो हम दूसरों को बताते हैं। दूसरा, क्रिस्तीय समूह में जिन लोगों को अनुभव हुआ है उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, तो हमारा अनुभव गहरा होता है।
और तीसरी और अंतिम चीज ये कि हम सबको अलग अलग अनुभव ईश्वर देगा। वही यीशु है लेकिन अलग अलग अनुभव हमें ईश्वर देगा। प्रार्थना करने से पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रभु के सामने अपने दिलों को उठाएं। हे पिता परमेश्वर, तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें तेरे पुत्र को जानने की कृपा दे। दूसरे लोगों के द्वारा जब तू हमसे बात करता है उसे पहचानने की कृपा दे। हम गहराई से तेरे पुत्र को अनुभव करना चाहते हैं अपने जीवन में। हे पिता, हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, जिन्होंने प्रियजनों को खो दिया है। प्रभु हम पर करुणा दिखा, पूरे संसार पर करुणा दिखा। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। गॉड ब्लेस यू। सी यू नेक्स्ट टाइम।